अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल 2019 में एडमिशन लिया है, चाहे वो पीजी के हों या फिर यूजी के हों, एफिलिएटेड कॉलेजेस के हों और किसी भी कोर्स के हों, उनका बहुत ज़्यादा ये प्रश्न है कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपकी क्लासेस लगभग जो है कब से स्टार्ट हो जाएंगी. प्रोबेबल डेट मैं बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से देखने सुनने का प्रयास कीजिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा. यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, BHU में मेन कैंपस में और इवन महिला महाविद्यालय में लगभग कोर्सेज की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो साइंस की हों, आर्ट्स की हों, सोशल की हों, एग्रीकल्चर की हों या कॉमर्स की हों. लेकिन मेन कैंपस के अलावा और महिला महाविद्यालय के अलावा जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग राजीव गांधी साउथ कैंपस, DAV PG कॉलेज, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, आर्य महिला PG कॉलेज एंड बसंत कन्या महाविद्यालय, इन सभी कॉलेजेस में आपकी जो क्लासेस हैं एक्सपेक्टेड हैं कि ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी. तो आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कृपया आप अपने सारी चीज़ों की व्यवस्था के साथ वहाँ पहुँच जाएँ और क्लासेस करना शुरू कर दीजिए. क्योंकि शुरू से जब आप क्लासेस हर चीज़ अटेंड करेंगे, कोई भी सिलेबस को छूटेगा नहीं और फिर जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आएंगे तो आपको आसानी होगी अच्छे मार्क्स लाने में. और फिर किसी तरह का आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलरली किसी चैप्टर पे. तो यही बातें थी मुख्य रूप से और बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहिए. अब हॉस्टल मिले नहीं मिले कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने के लिए आप कहीं से पढ़ सकते हैं. बाकी फैसिलिटीज सबके लिए ओपन है, सारी चीज़ें आप फैसिलिटी का यूटिलाइज़ कीजिए, लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर व्हाट यू हैव कम ओवर हेयर और यू हैव गॉट एडमिशन इन दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ कॉमनली नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज पर NIRF रैंकिंग विच इज सिक्योरिंग 3rd पोजिशन फ्रॉम लास्ट कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स. तो आपको बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होना चाहिए और प्राउड भी फील होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं. जहाँ पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वो काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है. तो ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए. एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि लगभग अगस्त के पहले सप्ताह से लगभग क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एक्सक्लूडिंग मेन कैंपस. मेन कैंपस में ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस मुख्य रूप से 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी. तो उससे पहले पहले आप सेटलमेंट कर लें तो ज़्यादा आसानी होगी. हालांकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होती है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप सारी बैग एंड बैग को लेकर के पहुँच जाएँ और सेटलमेंट कर लें. अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है. अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक.